दोस्तों ऑफिशियली तीन टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और तीन टीमें ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स भी बाहर हो गई है, यानी चौथी टीम दिल्ली कैपिटल्स है जो बाहर हो गई है। अब एक पोजीशन के लिए तीन टीमों में लड़ाई है, या यूं कहें कि दो ही टीमों में लड़ाई है, CSK, RCB और LSG। LSG भी थोड़ी बहुत रेस में है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस चेन्नई और RCB के पास है। RCB के पास दो ऐसे कौन से चांस है कि अगर RCB ऐसा करती है तो RCB प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। कौन से हैं वो दो चांस आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट टेबल, तीन टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, कोलकाता, राजस्थान, सनराइजर्स हैदराबाद, और नीचे की तीन टीमें गुजरात, पंजाब और मुंबई IPL से बाहर हो चुकी हैं ऑफिशियली। दिल्ली कैपिटल्स भी बाहर हो गई क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के 14 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 14 ही पॉइंट है। नेट रनरेट भी दिल्ली का माइनस में है। ऐसे में दिल्ली का नेट रनरेट ना तो बढ़ सकता ना घट सकता, ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स भी बाहर ही है। वहीं अब चौथी पोजीशन पर कौन सी टीम रही, यानी चौथी टीम कौन सी होगी, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के पास भी एक चांस है। और चौथी टीम कौन सी रहेगी, ये 18 मई को होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले में तय होगा, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स अगर जीत जाती है तो चेन्नई सुपर किंग्स के हो जाएंगे 16 पॉइंट और चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। RCB प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी और लखनऊ भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। अब ऐसे में अगर RCB को प्लेऑफ में पहुंचना है तो RCB के पास दो चांस है। पहला चांस ये है कि RCB चेन्नई को 18 मई को 18 रनों से हरा दे, यानी बैंगलोर पहले बैटिंग करे और उसके बाद चेन्नई को हरा दे और वो भी 18 रनों से हरा दे, तो RCB का नेट रन रेट चेन्नई से ज्यादा हो जाएगा और इस तरह RCB प्लेऑफ में पहुंच जाएगी 14 अंकों के साथ ही, क्योंकि चेन्नई के भी 14 अंक रह जाएंगे हारने पर। और दूसरा चांस RCB के पास ये है कि अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है और RCB टारगेट को चेस करती है तो RCB को 18.1 ओवर यानी कि 11 गेंद शेष रहते चेन्नई द्वारा दिए गए टारगेट को हासिल करना होगा, और अगर RCB ऐसा कर जाती है तो तब भी RCB का नेट रन रेट चेन्नई से बेहतर हो जाएगा और RCB प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन RCB पूरी नहीं करती है, या तो RCB 18 रन से कम रनों से हारती है या फिर 18.1 ओवर में चेस नहीं कर पाती है, तब भी RCB बाहर हो जाएगी जीतने के बावजूद भी, क्योंकि चेन्नई का नेट रन रेट बेहतर रहेगा उस सिचुएशन में। और अगर इस मैच में बारिश हो जाती है तब भी चेन्नई को ही फायदा है, क्योंकि एक एक पॉइंट मिलेगा और चेन्नई के 15 पॉइंट हो जाएंगे और चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी, RCB बाहर हो जाएगी। तो RCB के पास सिर्फ दो ही चांस है, या तो चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हराए पहले बैटिंग करने के बाद, या फिर अगर RCB बाद में चेस करती है तो 18.1 ओवर 11 बॉल रहते हुए चेन्नई को RCB हरा दे तो RCB प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। ये दो चांस RCB के पास है। तो चेन्नई और RCB का मुकाबला ही नॉकआउट मुकाबला है और जो टीम जीतेगी, चेन्नई अगर जीतती है RCB से तो चेन्नई क्वालिफाई करेगी, या 18 रनों से कम रनों से चेन्नई हारती है तब भी चेन्नई ही क्वालिफाई करेगी हारने के बावजूद भी, क्योंकि RCB से नेट रन रेट चेन्नई का बेहतर होगा। तो RCB के पास दो चांसेस है, या तो 18 रनों से चेन्नई को हरा दे या फिर 18.1 ओवर में चेन्नई के दिए गए टारगेट को हासिल कर ले, और दुआ करें कि बारिश इस मैच में ना हो।